हाय पीपल, वेलकम बैक. सो आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा सा डिले हो गया है एनालिसिस डालने में. तो लेट्स सी कि निफ्टी ने आज मंडे के दिन कैसा बिहेव कर रहा है एंड ट्यूसडे को कैसा बिहेव कर सकती है. सो मैंने बताया था कि 16,950 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है. अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो हम यहाँ तक के लिए पुट बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट ऊपर जा सकती है. तो ये मुझे लगता है रिटेलर्स के लिए और बिगनर ट्रेडर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट डे हुआ रहा होगा. थोड़ा सा मेरे लिए भी चैलेंजिंग था. पहले निफ्टी ने अच्छी मूव दी, थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताया था कि वो नीचे ऐसे विक दे के ऊपर चली जा सकती है और वो ही हुआ. तो निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही थी. मेरा फर्स्ट टारगेट 17,050 तक का था जो मैंने अचीव कर लिया था. नेक्स्ट टारगेट मेरा अराउंड 17,125 या 120 तक का था, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ. उसके बाद मार्केट ने ये क्रूशल सपोर्ट तोड़ा, लेकिन ये नीचे वाला टारगेट भी कंप्लीट नहीं करा. अब ट्यूसडे वाले दिन मार्केट मुझे लग रहा है बेसिकली रेंज बाउंड रहेगी, और रेंज बाउंड के जो नंबर हैं वो आप भी नोट डाउन कर लीजिए. इट इज़ बिटवीन 17,100 से लेके 16,850. थोड़ा ज़्यादा टाइम ये है, इसके बीच में गैप. यही मार्केट मूव करेगी कल भी, यही रेंज है. अगर मार्केट यहाँ जाती है 17,100 के पास और वापस ही नीचे आती है, अगर आपको यहाँ पर रेड कैंडल नज़र आती है, आप पुट बाय कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए जो आज का लो लगा है. सेम वे अगर मार्केट यहाँ आती है, यहाँ से सीधा ऊपर जाती है 16,850 के बाद ऊपर जाती है मार्केट, अगर आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल नज़र आती है, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, विच इज़ 17,080. इन केस मार्केट इसको हाई तोड़ देती है ये वाला 17,100 का, तो हम मार्केट को थोड़ा सा बुलिश देख सकते हैं और टारगेट रहेगा 17,300 तक का. सेम वे अगर मार्केट ने ये आपका तोड़ दिया लो, विच इज़ 16,800, तो हम वैसे हमारा टारगेट है भी 16,500 का, जो बहुत जल्द आ जाएगा. मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में हम बहुत जल्द 16,500 देख लेंगे. सो अभी भी स्ट्रैटेजी वही है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी. कॉल्स अगर आप ले रहे हैं, अगर आप कॉल्स बाय कर रहे हैं, तो इंट्रा डे ही बाय करें और बाय द एंड ऑफ द डे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए. होल्ड मत कीजिए फॉर द नेक्स्ट डे. पुट्स आप फिर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स होल्ड मत कीजिए. तो मेरी यही आपसे, और फर्स्ट 1 आवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए. फर्स्ट आवर मार्केट को समझने में लीजिए, अगर आप अगर बिगनर ट्रेडर हैं या आपको अभी तक 1 या 2 साल ही हुए हैं ट्रेड करते हुए. अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है 38,800 जो रेजिस्टेंस है, और नीचे है 37,800 तक. 1,000 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिस वीक के लिए मूव दे सकती है. बैंक निफ्टी का भी हमारी सेम स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए. अगर ये यहाँ पर इस बॉक्स को आप भी ये बॉक्स बना लीजिए, इस बॉक्स को अगर टच करके वापस नीचे आती है तो हम पुट बाय कर सकते हैं. सेम वे अगर ये इस बॉक्स को टच करके वापस ऊपर जाती है तो हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं. सेम वे कुछ टाइम के लिए ये अगर मार्केट कल सुबह गैप डाउन खुलती है तो डोंट बाय एनी पुट, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है. फर्स्ट आवर प्लीज़ सिर्फ मार्केट को देखने में लगाइए कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है. तो अगर क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली मार्केट को मैन्युपुलेट करना अच्छे से आता है, वो ऐसे विक बना के वापस ऊपर जा सकती है जैसे आज उसने करा भी है. सेम वे ये भी ऊपर विक बना के वापस नीचे आ सकती है. तो ट्रेड बहुत ही कॉशियसली लेने हैं. हम छोटे प्रॉफिट्स आएँ लेकिन प्रॉफिट्स आने चाहिए, रादर दैन कि आपको कोई मेजर लॉस हो जाए. प्लस मैं अपनी लाइव एनालिसिस डालती रहती हूँ थ्रू आउट द टाइम. जब भी मार्केट होती है मैं अपनी लाइव एनालिसिस डालती रहती हूँ, उससे भी आपको हेल्प मिलती होगी. सो अगर मेरी लाइव एनालिसिस और मेरी रोज़ की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस आपको हेल्प मिल रही है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, बाय बाय.